भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने रविवार को गोरखपुर मंडल के विधायकों, सांसदों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक किया और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही अब तक का फीडबैक भी लिया, जिसके संबंध में प्रभारी मंत्री राधामोहन सिंह ने बताया कि गोरखपुर कमिश्नरी के सभी 4 जिलों के सांसदों, विधायकों के साथ राज्यसभा सदस्य, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष के साथ बैठक कर चुनाव के तैयारियों की समीक्षा की गई तथा पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था, 6 जुलाई को जयंती है, जिसको लेकर सभी बूथों पर प्लास्टिक मुक्त बूथ, पर्यावरण युक्त बूथ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में हमारे कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के लिए हम लोगों ने हमारा बूथ कोरोना मुक्त बूथ का नारा दिया है। बैठक में सदर सांसद रवि किशन, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, विधायक शीतल पांडे, महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, विमलेश पासवान, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित मंडल के अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा, आज सुबह से लेकर अभी तक ये जो कमिश्नरी है गोरखपुर, इसमें हमारे 5 संगठनात्मक गिने और सभी जिलों के हमारे माननीय सांसद, विधायक, MLC और राज्यसभा के सदस्य, ये सब लोग उपस्थित थे। हमारे जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी थे। पार्टी के जो हमारे सारे आगामी कार्यक्रम हैं उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। अभी हम पूरे देश के अंदर 23 जून जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था और 6 जुलाई जन्म जयंती है, इस बीच में हम देश के सभी बूथों पर प्लास्टिक मुक्त बूथ और पर्यावरण युक्त बूथ, ये 2 अभियान में हमारे सब कार्यकर्ता लगे हैं, जनप्रतिनिधि भी लगेंगे। और जो ये जो टीकाकरण का अभियान है, हमने नारा दिया है कि हमारा बूथ कोरोना मुक्त, और इसके लिए सबको वैक्सीनेशन हो, इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका होगी, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि जो पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है उस अभियान में सब लगेंगे।